थिएटर के लाइन में कब से हो? 4 महीने हो गए। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? शादी किस किस से कर ले, कोई से भी मिल जाए। काम चलाओ। थिएटर की लड़की जो होगी वो कैरेक्टर लेस होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर पर जाने में टाइम लगता है, कभी 3 महीने हो जाते हैं, कभी 4 महीने हो जाते हैं। इस शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। थिएटर की दुनिया, थिएटर डांस के लिए प्रसिद्ध है और खास तौर पर आधी रात में ये होता है और लोग काफ़ी मज़ा लेते हैं, खास तौर पर युवा वर्ग के जो लोग होते हैं वो काफ़ी मज़ा लेते हैं। और थिएटर की दुनिया की एक हसीन जलवा बिखेरने वाली हमारे साथ बैठी हुई हैं, काजल नाम है इनका। पहचान की मोहताज नहीं है, वायरल गर्ल काजल। थिएटर के लाइन में कब से हो? 4 महीने हो गए। सिर्फ 4 महीने? जी। अच्छा, तो आगे पहले, उससे पहले क्या करती थी? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। तो क्यों छोड़ दिया? वहाँ पर मतलब खर्चा नहीं निकलता था, किराए का घर है ना, तो इस वजह से खर्चा पूरा नहीं होता था। 10,000 रुपये सैलरी थी, इस वजह से यहाँ पर आई हूँ। तो कहाँ, घर कहाँ है आपको? दिल्ली में। दिल्ली में, तो यहाँ कितना लगभग मिल जाता? पूरा मत बताना, एक लम सम। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, किसी के पास इनाम आता है, किसी के पास नहीं आता। जो पब्लिक इनाम देती है उसके ऊपर फिक्स होता है, कभी नहीं मिलता कभी मिलता है। जी। अच्छा, ये मन लगता है आपको? हाँ जी, मेरा मन लगता है, अच्छा लग रहा है। मुझे बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था, डांस करने का शौक था। डांस करने का तो मुझे बहुत शौक था, जैसे मोहल्ले में किसी की शादी होती थी मैं बिन बुलाए डांस करने चली जाती थी वहाँ पर। जी, मेरा सपना भी पूरा हो गया और घर की परेशानी भी दूर हो गई। अब घर का पूरा खर्चा चलता है, मतलब सब हंसी खुशी से रह रहे हैं। पहले परेशानी थी, मम्मी भी पापा नहीं है, मम्मी भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब करती थी, तो उसमें घर का खर्चा नहीं निकलता था। अब ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पर आई मैं, यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना भी पूरा हो गया और मेरे घर वाले भी अब ठीक है सब। अच्छा, कभी वो जो स्टेज शो के नीचे जो पब्लिक होते हैं उनका कुछ रिएक्शन, कुछ गलत कमेंट, उससे कुछ फर्क पड़ता है? देखो, जब हम उन्हें कुछ बोलेंगे तभी तो हम कुछ बोलेंगे। हमको अपनी इज्जत अपना हाथ में होती है ना, हम किसी के ऊपर कुछ बोलेंगे ना वह हमें बोलेंगे। अब कीचड़ में हम पत्थर डालेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर उछलेगी ना, इससे अच्छा तो हम चुपचाप खड़े रहें, ना किसी के मुँह लगे ना किसी को मुँह लगाए। मैं तो किसी के मुंह नहीं लगती हूँ। लड़की जो होती है चिबली, मतलब शरारती टाइप की, मैं अगर कुछ करती है तो लड़के भी मैं इट्टा फेंक के मारते हैं, पत्थर बोतल फेंक फेंक के मारते हैं। तो इससे अच्छा ना किसी से फालतू बोलो, ना किसी को फालतू अपने ऊपर बुलवाओ। अच्छा, तो आगे इसी लाइन में रहना है? नहीं, अगर मुझे ऊपर से मौका मिला मूवी वगैरह में काम करने का, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, एक्टिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, मूवी के पहले सीरियल वीरियल में मिल जाए? जी जी, सीरियल कॉमेडी ऐसी, ऐसे ये करना चाहती हूँ। चलो, तो और कुछ बताओ अपने लाइफ के बारे में, बहुत फेमस हो तुम, बहुत वायरल हो, तो और कुछ बताओ, लोग पब्लिक जानना चाहते हैं। अच्छा, कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं। अरे, दिल्ली की लड़की अब बॉयफ्रेंड नहीं? अरे नहीं, नहीं है कोई फ्रेंड है, सब ये सब बॉयफ्रेंड ही तो है। ये सब पैसे देते तो समझते हम बॉयफ्रेंड है, पति है। 300 रुपये का टिकट कटवा के आते हैं, बोलते हैं हमसे शादी कर लो। शादी किस किस से कर ले, हम बुढ़ा हो जवान हो, मतलब हमारी उम्र से भी उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, बोलते हैं हमसे शादी कर लो, हम कुंवारे हैं। तो इतनी हंसी आती है उनकी बात सुनकर। मतलब टोन मारते हैं, बोलते हैं हमारे लिए कोई रिश्ता होगा तो बताना, खासकर अगर आप खाली हो तो आप मुझसे शादी कर सकती हो। मैं वैसे टाल देती हूँ, हाँ हाँ मैं कर लूँगी। मतलब फुल एंजॉय, आप इस थिएटर को खूब एंजॉय करती हैं।
इसीलिए आप खुश भी हैं। जी मैं खुश हूँ, यहाँ पर मैं माइंड फ्री रहती हूँ, मैं किसी की टेंशन नहीं लेती हूँ, कोई कुछ बोलता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, स्टेज पर आती हूँ मस्ती करती हूँ, मैं किसी के बाद दिल पे नहीं रहती हूँ। अच्छा आगे आगे क्या करना चाहती है काजल? आगे तुम्हारे बहुत सारे प्रशंसक हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते आगे क्या करना चाहते? बस मैं मूवी में काम करना चाहती हूँ, एक्टिंग वगैरह ये सब, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, अगर मौका मिला मुझे ये तो मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, शादी लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? मम्मी की मर्जी से। अरेंज? जी मम्मी की मर्जी से शादी करेगी, जितने भी लोग हैं, दिल टूट गया लोगों का। देखिए हमारे साथ काजल हैं जो कि बहुत वायरल हैं, और पिछले सोनपुर मेले में इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था, अभी भी बहुत सारे चैनल्स पर वायरल हैं। बिंदास, बिंदास लड़की कहा जा सकता है जी। कोई टेंशन नहीं आ नहीं, सिर्फ परिवार को चलाने के लिए एक जिम्मेदारी है जी। जी तो घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा नहीं है? नहीं पापा नहीं है, मैं हूँ, उससे छोटे एक बहन है, उससे छोटे दो भाई, चार भाई बहन है, मेरी मम्मी है। अच्छा जी। पूरा खर्चा? जी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है, मम्मी मेरी काम करती थी पहले स्कूल में, तो मैंने अपनी मम्मी का काम छुड़वा दिया, अब जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना सब ठीक है, मेरे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं, मेरी मम्मी का भी काम छूट गया और सब कुछ सही चल रहा है। अब तुमने कितनी पढ़ाई की? जी मैंने हाई स्कूल किया था। एज भी ज़्यादा नहीं होगी? नहीं 19 साल है। 19 साल जी। 19 साल की है, चार भाई बहन और माँ है, एक परिवार, इतना बड़ा परिवार और खुद पूरी जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो घर जाने का मौका मिलता है? जी अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 18 तारीख को जा रहे हैं घर। अच्छा जी। पहले से पता होता है कहाँ पर शो होना है उसमें फिर? जी पहले से पता होता है, अब 2 महीने बाद आएंगे वहाँ पर राजगीर में। अच्छा। मतलब घर पर जाने में टाइम लगता है, कभी 3 महीने हो जाते हैं, कभी 4 महीने हो जाते हैं, 3-3, 4-4 महीने बाद जाते हैं घर पर, फिर बीच में 1 महीने का गैप मिलता है, फिर दोबारा आ जाते हैं। अच्छा कुछ वीडियो वायरल हुए थे सोनपुर में कि जो तुम लोगों के रहने की व्यवस्था होती है इन सब में बहुत गंदी व्यवस्था होती है, अच्छा व्यवस्था नहीं होती, ये सब में कितनी सच्चाई? जी हाँ यहाँ पर रहने के नहीं, बाथरूम नहीं बने हुए हैं, नहाने की सही सुविधा नहीं है, बाहर जाते हैं सब बाथरूम में नहाने। वो तो वहाँ भी सोनपुर में भी वही था? जी सोनपुर में भी वही था, मतलब खाने पीने की दिक्कत है, बाथरूम के नहाने धोने की ये सब चीज़ की दिक्कत है, वरना बाकी सेफ्टी तो सब अच्छी है यहाँ पर, कोई अंदर नहीं आ सकता बिना परमिशन के, बाहर सिक्योरिटी खड़ी रहती है गार्ड, वे अंदर नहीं आने देते, मतलब कोई मतलब बदतमीजी नहीं होती, गलत काम, बस रहने की जगह अच्छी नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है बस। अच्छा जो लोगों के मन में एक भ्रांति है कि स्टेज की लड़की जो होती है, थिएटर की लड़की जो होगी वो कैरेक्टर लेस होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी अपनी मजबूरी मार रखे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकती, किसी के सभी अपनी मजबूरी मार रखे हैं, किसी के फैमिली वाले साथ नहीं है तो किसी के हस्बैंड ने छोड़ दिया, सारी लड़की ऐसी मिलेगी आपको यहाँ पर। अच्छा। मजबूर। अच्छा। कोई कोई अपनी मर्जी से आती है, तो किसी की मजबूरी का ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अब उनको क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बिन देखे ऐसा नहीं कहना बोलना चाहिए ना, वे भी अपने घर वालों को छोड़कर अपने बच्चों के लिए उनका पेट भरने के लिए आई है यहाँ पर, तो ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए बिन देखे, कोई कुछ भी कर रहा है उनकी लाइफ है, आपको देखना है मस्ती लो आप, वो देख के चले जाओ, ऐसे क्यों बोलना किसी के बारे में, आप तो नहीं दे रहे उनका खर्चा, घर तो नहीं दे रहे उनको, मैं खुद चला रही है, तो इस वजह से मैं तो यही बोलूँगी आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो उनके बारे में कुछ गलत भी ना बोलें। चलो बिहार ने तुम्हें फेमस किया है, तो बिहार के बारे में क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं बिहारियों के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर थिएटर जो हैं बिहार यूपी में लगते हैं? जी मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे तो थिएटर के बारे में कुछ पता भी नहीं था। सोनपुर भी तो तुम्हारा पहला? हाँ मतलब सोनपुर में आई थी, मैं थिएटर के बारे में कुछ नहीं जानती थी पहले, कि थिएटर वगैरह ही क्या होता है, हमारे अंकल आए मुझे बोल रहे थे कि हम घूमने जा रहे हैं, मैं लेकर आए, फिर मुझे यहाँ पर पता चला कि डांस होता है, मुझे ये भी नहीं पता था थिएटर का मतलब क्या होता है, बस मैंने सोचा कि यहाँ पर तो वैसे डांस होता है, फिर धीरे धीरे पता चला मुझे यार थिएटर है, ऐसे ऐसे काम होते हैं। शादी वादी में डांस करने का आदत था ही? जी शादी में डांस करने का आदत थी, शौक थी, मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हो गई थी, हमारी एक रात में मतलब 5 एंट्री लगती है ना मेरी, तो मैं बार बार जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे भी ले जाओ। जी तो अभी भी तो वही हाल रहता है स्टार एंकर की तरह एकदम जी है ना। तो देखिए काजल और बिंदास जैसा कि आप भी जानते हैं और ये है भी, हमने बात करके भी देखा,
बिंदास है, परिवार की मजबूरी होती है और उसका उसके खर्च को चलाना होता है, जिसको लेके लोग आते हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये अपना परफॉर्मेंस देती हैं, अच्छी तरह से देती हैं, ये एक एक्टर हैं, है ना जी, एक्टर हैं जी, आगे फिल्म में जाना चाहती हैं, टीवी में जाना चाहती हैं और कुछ अच्छा करना चाहती हैं जी। क्या जी, चलिए भोजपुरी फिल्म में जाओगी? कोई सी भी मिल जाए काम चलाओ काम चलाओ। नहीं, भोजपुरी में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जी, भोजपुरी सिनेमा में जी, अगर जो भी मिल जाएगी मैं तो वहीं चली जाऊंगी भोजपुरी सिनेमा में भी जाने को तैयार हैं। और सीरियल्स, टीवी देखिए खूब वायरल हैं, 4 महीनों में इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था और बिंदास गर्ल आप कह सकते हैं, खूब मस्ती से और लोगों को इंजॉयमेंट भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है। शोभा सम्राट थिएटर के सारे कलाकार बहुत अच्छे हैं और 4 महीने से आप हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें और आपकी जो अपनी एम है, अपनी मंशा है, वो पूर्ण हो, एक्टर बनिए, फिर आपका इंटरव्यू लेने ज़रूर आएंगे। बने रहिए, आगे भी मेले की पूरी खबर खूबसूरती दिखाएंगे। श्री अर्जुन बाबू पशु हाट बाजार गरहा मुजफ्फरपुर, हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर, संजय ठाकुर और सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।